दुनिया में ऐसी सड़कों की कोई कमी नहीं है जो किसी ना किसी वजह से बेहद खास है। कोई दुनिया की लंबी सड़क है तो कोई बहुत छोटी, कोई चौड़ी है तो कोई घुमावदार। ये सड़कें एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ती हैं। वैसे तो इन सड़कों को बनाने के लिए ईंट पत्थर से लेकर सीमेंट और डामर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बनाने में इन चीजों के अलावा इंसानी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सुनकर और जानकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है और यही वजह है कि इस सड़क को रोड ऑफ बोन्स यानी हड्डियों की सड़क के नाम से जाना जाता है। दरअसल हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो एक हाईवे है और ये रूस के सुदूरवर्ती पूर्वी इलाके में स्थित है। इस सड़क का असली नाम कोलयामा हाईवे है जो 2025 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे पर अक्सर इंसानी हड्डियां और कंकाल मिलते रहते हैं। पिछले साल नवंबर में इरकुटस्क इलाके में इंसानी हड्डियां भी मिली थी। यहां के स्थानीय सांसद के मुताबिक सड़क पर हर जगह पर हड्डियां बिखरी पड़ी हुई थी और वो नजारा बहुत ही भयावह था। रोड ऑफ बोन्स के नाम से मशहूर इस हाईवे की कहानी दिल दहला देने वाली है। चूंकि ठंड के मौसम में इस इलाके में काफी बर्फ गिरती है जिससे सड़कें भी ढक जाती हैं। बताया जाता है कि बर्फ की वजह से गाड़ियां सड़क पर न फिसले, इसीलिए सड़क निर्माण में बालू के साथ साथ इंसानी हड्डियों को भी मिलाया जाता है। इस हाईवे का निर्माण सोवियत संघ के तानाशाह कहे जाने वाले जोसेफ स्टालिन के समय में किया गया था। कहा जाता है कि इसे बनाने में 2.5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि 1930 के दशक में इस हाईवे का निर्माण शुरू हुआ और इस काम में उन बंधुआ मजदूरों और कैदियों को लगाया गया जिन्हें कोलयामा कैंप में कैदी बनाकर रखा गया था। कहा जाता है कि कोलयामा कैंप में अगर कोई कैदी एक बार चला जाता था तो उसका वहां से वापस लौटना नामुमकिन सा हो जाता था। जो लोग यहां से भागने की कोशिश करते थे वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते थे, क्योंकि या तो वो भालुओं का शिकार हो जाते थे या भयंकर ठंड से मर जाते थे या फिर भूख से। कहा जाता है कि जो कैदी मर जाते थे उन्हें वहीं सड़क के अंदर ही दफन कर दिया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट।